मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज विहांग जो कि प्रताप सरनायक के पुत्र हैं पहुंच गए थे, ये खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आप लोगों को ध्यान होगा क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं। आज विहांग को समन किया गया था, शिवसेना एमएलए के बेटे विहांग सरनायक अपीयर्ड बिफोर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर क्वेश्चनिंग इन एन अलज मनी लॉन्ड्रिंग केस। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट एमएलए सन इज अपेयरिंग बिफोर द प्रोब एजेंसी। द एजेंसी लास्ट मंथ अरेस्टेड अमित चंदोले, एन एलज एसोसिएट ऑफ प्रताप सरनायक एंड टॉप्स ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एम शशिधरन को भी अरेस्ट किया गया था अंडर पी एम एल ए एक्ट। द केस रिलेट्स टू कंप्लेंट लॉज बाई रमेश अय्यर, अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ टॉप्स ग्रुप। अय्यर अलेज दैट इन 2014 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन Development Authority for supply of 350 to 500 security guard, the security firm provided only 70% of the agreed number. Some of the money paid by the MMRDA went to private accounts of the accused. He claimed the Shiv Sena had called the raids on the MLA's properties as political vendetta. Pratap Sarnaik, 56, represents the Owala Maijwada constituency of Thane in the Maharashtra Assembly and is also a spokesperson ऑफ हिज पार्टी। इनफैक्ट मंडे को उन्हें समन किया गया था, वो समन पर हाजिर नहीं हुए। अब आने वाले टाइम में देखना होगा इस पर क्या डेवलपमेंट होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी इस केस में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।